दोस्तों रेबेल स्टार प्रभास के झोली में तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है और शूटिंग भी चल रहा है लगभग सभी का। लेकिन दोस्तों प्रभास एक ऐसा फिल्म भी कर रहे हैं जिसका खबर या जानकारी उतना निकल के नहीं आया है। मतलब उनके बाकी के जो फिल्में हैं आदि पुरुष, सलार, प्रोजेक्ट के, इन सभी का अपडेट टाइम टू टाइम फिर भी मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म का कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रभास की अपकमिंग फिल्म राजा डिलेक्स का। कुछ सोर्सेस से पता चल रहा है कि प्रभास ने चुपचाप राजा डिलेक्स का शूटिंग 25% तक कंप्लीट कर लिया है, जो चालू हुआ था दिसंबर 2022 से, और हमारे महान प्रपराजी को इस बात का भनक तक नहीं लगा। दोस्तों राजा डिलेक्स को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर मारुति। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाला है। इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर के रोल में। संजय दत्त एंड सत्यराज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और फीमेल लीड में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार रहेगा। प्रभास ने इससे पहले कभी ऐसा फिल्म नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं हॉरर कॉमेडी। प्रभास के फैंस तो राजा डिलेक्स का इंतजार कर ही रहे हैं कि कब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल के आएगा। आपको बता दूं इस फिल्म का नाम राजा डिलेक्स फिलहाल रखा गया है, ये नाम ऑफिशियल नहीं है। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तब नाम शायद चेंज हो सकता है या फिर राजा डिलेक्स को ही ऑफिशियल नाम घोषित कर सकता है। ये तो डिपेंड करेगा टोटली मेकर्स के ऊपर। डायरेक्टर मारुति तो प्रभास को लेकर चुपचाप राजा डिलेक्स का शूटिंग कर रहे हैं। अगर कोई अपडेट मिलता है तो ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अपडेट जानने के लिए। थैंक यू आपका। जय हिंद।